Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. My name is Nimra Zafar and today we are going to discuss about one of the most important leading constitutional cases of Pakistan, which is Begum Nusrat Bhutto versus Chief of Army Staff 1977. Iski citation kya hai? PLD 1977, Supreme Court, page number 657. दोनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट से पहले जो है हम इसका केस के फैक्ट्स या थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं. बैकग्राउंड इसका ये है कि 7 मार्च 1977 को पाकिस्तान में हुए जनरल इलेक्शंस. अब इलेक्शंस जो हैं उनमें पार्टीज कौन कौन सी थी, एक तरफ जो थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान नेशनल अलायंस PNA. अलायंस का मतलब क्या होता है, जब पार्टीज मिलती हैं इकट्ठी होती हैं, जैसे PDM है अब, ठीक है. तो इसमें कितनी पार्टीज की अलायंस थी, ये 9 पॉलिटिकल पार्टीज की अलायंस थी ये. अब पाकिस्तान पीपल, जब जनरल इलेक्शंस हुए हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टीज जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 155 सीट्स जो है वो सिक्योर की और दूसरी तरफ PNA ने, जो कि किस पे, 9 पॉलिटिकल पार्टीज पे ये अलायंस मुश्तमिल थी, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 36 सीट्स जो है वो सिक्योर की. अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ 36 सीट सिक्योर की हैं 9 पॉलिटिकल पार्टीज ने, तो इसका कोई ना कोई रद्द अमल भी आना था. अब क्या होता है, रद्द अमल कैसे आता है, जुल्फकार अली भुट्टो जो हैं, जो पार्टी लीडर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लीडर हैं जुल्फकार अली भुट्टो जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो होल्ड कर लिया, ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, जब इस तरफ से रिएक्शन आया है तो जुल्फकार अली भुट्टो के ऊपर और पीपल पार्टी के ऊपर जो है वो क्या हुआ, एलिगेशंस लग गए रिगिंग के, कि इन्होंने धांधली की है इलेक्शंस में, तो ये इलीगल तरीके से इन्होंने जो है वो PM ऑफिस होल्ड किया है, इलेक्शंस ठीक नहीं हुए, इलेक्शंस दोबारा करवाए जाएं. और ये लड़ाई बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ गई कि मुल्क में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है ना वो ख़राब होना शुरू हो गई बहुत ज़्यादा, ठीक है. तो इसके नतीजे में क्या होता है, जब मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो ख़राब होती है ना, तो फिर आर्मी टेक ऑफ करती है, ठीक है. आर्मी हर चीज़ को जो है वो लेकर चलती, कैसे, मार्शल लॉ लग जाता है. मार्शल लॉ लगता है तो क्या होता है, अब यहाँ पे मार्शल लॉ कब लगा है, 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ लग गया पाकिस्तान में. फिर क्या हुआ, अब चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो थे वो भी ज़ियाउल हक थे और उस वक्त जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो भी ज़ियाउल हक थे. अब पहला मसला तो यहाँ से खड़ा होता है कि क्या जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वही चीफ ऑफ चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं या मार्शल लॉ इम्पोज कर सकते हैं या नहीं कर सकते. पहला क्वेश्चन तो यहीं से अराइज हो जाता है कि ये लीगल था या इलीगल था. मार्शल लॉ लगता है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एब्रोगेट हो जाता है. क्यों, क्योंकि उस वक्त जो है, ये केस कब का है, 1977 का है, तो उस वक्त कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था, तो कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हो गया. फंडामेंटल राइट्स, FR मीन्स फंडामेंटल राइट्स जो है वो लोगों के सस्पेंड कर दिए गए. और क्या होता है, जब मार्शल लॉ लग गया तो फिर अरेस्ट कर लिया गया किसको, जुल्फकार अली भुट्टो को और उनके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 10 और जो रहनुमा थे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है. क्यों अरेस्ट कर लिया जाता है, कि जी इन्होंने इलेक्शंस में धांधली की है और गलत तरीके से PM ऑफिस होल्ड किया है और हुकूमत जो है वो इलीगल है. 17 सितंबर 1977 को इनको अरेस्ट कर लिया जाता है. अकॉर्डिंग टू किस लॉ के तहत अरेस्ट किया जाता है, मार्शल लॉ रेगुलेशन नंबर 12 के. अब आपने देखा होगा कि जब भी मार्शल लॉ लगता है तो ये रेगुलेशन नंबर 12, रेगुलेशन नंबर 11, 78, ये सारे जो बाकी भी हमने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में भी देखें कि जब भी मार्शल लॉ लगता है तो जिनको अरेस्ट किया जाता है या कोई भी चीज़ होती है तो वो इस रेगुलेशन, ये रेगुलेशन नंबर क्या है. तो जब भी मार्शल लॉ लगता है तो जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो एक नई रेगुलेशन जो है वो नया ऑर्डर जो है वो जारी किया जाता है कि अब जब तक नए इलेक्शंस नहीं होते और सिविलियंस के पास दोबारा से गवर्नमेंट नहीं जाती तब तक जो है इस मार्शल लॉ रेगुलेशन के तहत मुल्क को गवर्न किया जाएगा, सारी चीज़ें इसके मुताबिक होंगी. वो एक प्रॉपर से ड्राफ्ट तैयार किया जाता है किसकी जगह पे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है पहले मुल्क किसके अकॉर्डिंग गवर्न किया जा रहा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किया जा रहा होता है. और जब मार्शल लॉ लग जाता है तो फिर इस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो उसको कंट्री को गवर्न किया जाता है कि जो कुछ भी होगा, जुडिशरी पे कोई लिमिटेशंस हैं या कोई और चीज़ है, कैसे मुल्क को गवर्न किया जाए, वो सारा कुछ किसके होता है,
ये मार्शल लॉ रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है। अब हम आ जाते हैं आर्ग्यूमेंट्स की तरफ के, दोनों पार्टीज की तरफ से क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब दोनों पर जो जुल्फकार अली भुट्टो है या 10 अदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा थे, जब वो अरेस्ट हुए हैं तो फिर क्या होता है, फिर उसके नतीजे में बेगम नुसरत भुट्टो जो के वाइफ हैं, वाइफ थी किनकी, जुल्फकार अली भुट्टो की, वो एक पिटीशन मूव करती हैं आर्टिकल 184 का सब आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंडर। अब आर्टिकल 184 का सब आर्टिकल 3 क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है कि सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करेगी फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स को। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास ये सुओ मोटो पावर भी है कि वो खुद से भी जो है वो एक्शन ले सकती है अगर किसी इंडिविजुअल का कोई फंडामेंटल राइट जो है वो इंफ्रिंज होता है। तो अब ये पिटीशन किसके अगेंस्ट फाइल की थी बेगम नुसरत भुट्टो ने, अगेंस्ट चीफ मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर। अब वो इसमें ग्राउंड्स क्या लेती हैं पिटीशन में, सबसे पहले तो ग्राउंड्स तो हम चले आर्ग्यूमेंट्स हम बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि इसमें चैलेंज क्या करती है। चैलेंज करती है कि वैलिडिटी को, कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो तो मार्शल लॉ लगा ही नहीं सकता। ये था स्टैंड किनका, बेगम नुसरत भुट्टो का, कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो खुद से मार्शल लॉ नहीं लगा सकता, प्रोमलगेट नहीं कर सकता, और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं बन सकता। दूसरी चीज क्या चैलेंज करती है, वो उनकी जो प्ली होती है या उनकी जो प्रेयर होती है वो क्या है, कि डिटेंशन ऑफ जुल्फकार अली भुट्टो एंड 10 अदर पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स। वो कहती है कि जो जुल्फकार अली भुट्टो ने इलेक्शंस में कोई रिगिंग नहीं की, इलेक्शंस बिल्कुल जो है ट्रांसपेरेंट थे, और जुल्फकार अली भुट्टो को या पार्टी के 2 10 अदर जो रहनुमा है उनको गलत तरीके से जो है वो डिटेन किया गया है। तो इन्होंने पिटीशन फाइल की अंडर आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3, और ये रिट जो है थी ये कौन सी थी, हैबियस कॉर्पस की थी, कि इनको हब्से बेजा में रखा गया है। अब आते हैं दोनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट्स की तरफ। बेगम नुसरत भुट्टो की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट्स आए थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट्स आए थे वो क्या थे, अब बेगम नुसरत भुट्टो की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट्स आए थे वो रिलाई कर रही थी किसके ऊपर, आसमा जिलानी केस। लास्ट हमने क्या डिस्कस किया है, आसमा जिलानी केस, जिसके अंदर क्या किया था, मार्शल लॉ को इनवैलिडेट करार दे दिया गया था, इलीगल करार दे दिया गया था, कि कोई स्टेट नेसेसिटी के डॉक्ट्राइन को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कैल्सन थ्योरी को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो मार्शल लॉ को यहाँ पर पहली दफा जो है वो आसमा जिलानी केस में इनवैलिडेट करार दे दिया गया था। तो बेगम नुसरत भुट्टो ने उसी केस के ऊपर रिलाई करते हुए कहा कि ये जो मार्शल लॉ लगा है ये इलीगल है, और डिटेंशन ऑफ जुल्फकार अली भुट्टो या दूसरे जो पार्टी लीडर्स थे उनकी डिटेंशन भी गलत तरीके से हुई है। और दूसरी बात वो क्या करती है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उनके पास अथॉरिटी ही नहीं है कि वो मार्शल लॉ लगा सके, तो ये मार्शल लॉ तो जो है वो एब इनिशियो वॉइड है, ये गलत है, या इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए, ठीक है। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आर्टिकल 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के अंडर इनको डील किया जाए, जो कि है हाई ट्रीजन, के कोई भी पर्सन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई छेड़खानी करता है, एप्रोगेट करता है, सबवर्ट करता है कोई उसकी प्रोविजन को, तो फिर उसको किसके अकॉर्डिंग डील किया जाएगा, आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग उसे पनिशमेंट मिलेगी हाई ट्रीजन जो है। दूसरी तरफ आ जाते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के, यहाँ पे क्या उनके आर्ग्यूमेंट्स थे, उनके आर्ग्यूमेंट्स थे सबसे पहले तो वो रिलाई करते हैं स्टेट वर्सेस 200 केस के ऊपर। उसमें तो आसमा जिलानी केस में मार्शल लॉ को जो है वो इलीगल करार दे दिया गया था। स्टेट वर्सेस 200 केस में क्या हुआ था, मार्शल लॉ को वैलिडेट करार दे दिया गया था कि मार्शल लॉ जो लगाया जाता है वो स्टेट नेसेसिटी के डॉक्ट्राइन को मद्देनजर रख के लगाया जाता है, कैल्सन थ्योरी को मद्देनजर रख के लगाया जाता है, क्योंकि जब मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है तो फिर जरूरी हो जाता है कि मार्शल लॉ लगाया जाए। और जो इन्होंने जो है वो दूसरा क्या, इन्होंने स्टैंड इनका क्या था कि इलेक्शन में मैस रिगिंग हुई है, ये तो मेन रीजन थी उसकी। दूसरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट आता है कि जब मार्शल लॉ लग गया है, मार्शल लॉ लीगल तरीके से लगा है, तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो तो वैसे ही सस्पेंड हो चुके हैं, इनके पास तो फंडामेंटल राइट्स हैं ही नहीं, तो फिर ये आर्टिकल 184 का सब आर्टिकल 3 के अंडर जो है ये किस तरीके से क्लेम कर रही हैं, ये रिट कैसे फाइल कर रही है, रिट जुरिस्डिक्शन के फाइल करने की तो है ही नहीं, क्योंकि फंडामेंटल राइट ही जो है वो इनके सस्पेंड हो चुके हैं। जब फंडामेंटल राइट्स ही नहीं है तो फिर ये पटिशन भी मेंटेनेबल नहीं है, ठीक है, इस तरह से मेंटेनेबल ही रही है। ये थे दोनों पार्टीज की तरफ से आर्ग्यूमेंट्स। अब हम देखते हैं इसमें कोर्ट का वर्डिक्ट क्या था और कोर्ट ने किन ग्राउंड्स के ऊपर ये वर्डिक्ट जो है वो दिया था। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या था, सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले तो ये डिसीजन दिया किसने, 9 मेंबर्स जो थे इसके बेंच के वो थे, 9 मेंबर्स बेंच था, चीफ जस्टिस कौन थे, अनवारुल हक थे।
अब इन्होंने किसके फेवर में डिसाइड किया केस को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के फेवर में डिसाइड किया, और इनकी जो जजमेंट है उनके ग्राउंड्स क्या थे एक्स्ट्रा। वो कहते हैं कि ये मार्शल लॉ नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप था ताकि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर बनाया जा सके। दूसरा उन्होंने रिलाई किया स्टेट नेसेसिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर, कि वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी अपनी जगह, कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जगह, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी अपनी जगह, लेकिन जब मुल्क में ज़रूरत पड़ती है, जब हालात इतने ख़राब हो जाए कि एक जो है वो ठीक तरीके से गवर्नमेंट तश्कील ना दी जा सके, तो फिर क्या होता है स्टेट नेसेसिटी के जो कॉन्सेप्ट है उसको इन्वोक करते हुए मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। और उसके अलावा उन्होंने वो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्या चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है, उसकी भी उन्होंने इजाज़त दे दी कि जब स्टेट नेसेसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए, कि जब इसकी ज़रूरत पड़े तो ये भी हो सकता है। और इन्हीं सारे ग्राउंड्स को बेस बनाते हुए उन्होंने कहा कि जब मार्शल लॉ ही लीगल है, फंडामेंटल राइट्स ही कोई नहीं है, तो फिर आप ये पिटीशन 184 सब आर्टिकल 3 जो है, इसकी पिटीशन भी उन्होंने डिसमिस कर दी कि ये मेंटेनेबल ही नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।